हाँ दे, एक सवाल और है जो इम्पोर्टेंट भोजन है वो है 14.3 जो ना, हाँ दूसरा सवाल देखो देखना ये लिखा हुआ है जिसमें 14.3 का तीसरा सवाल है ना, 14.3 दिख रहा है ना, देखो 14.3 में दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल इसमें एक नीचे दिए गए बंटन का माध्य करना वो तो 28.5 है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 और 50 से 60, ठीक है, और बारंबारता कितनी है, 5 x 20 15 y 5 x 20 15 y और 5 है ना, अच्छा यहाँ कितना दिया है इसका योग, 60, योग कितना दिया है, 60, ठीक है, और माध्य कितनी दी है, मध्य कितने, 28.5। देखो इसमें एक तो x का मान निकालना है, किसका निकालना है, y का मान निकालना है, तो ध्यान से पढ़ो क्या दिया, मध्य दिया है ना, तो पहला काम क्या करना आपको, cf निकालना, पहला काम क्या करना, cf ध्यान दो संचयी बारंबारता, तो cf निकाल लो, तो पहली संख्या सेम की, अब ये इसमें जोड़ेंगे, 5x प्लस x, 5x तो गुणा हो जाएगा 5 का x से, जोड़ना है 5 प्लस x, ठीक है ध्यान रखना, ये गलती मत करना, अच्छा ये इसमें जोड़ दो 25 प्लस x, ये इसमें जोड़ दो 40 प्लस x, और ये इसमें जोड़ दो 40 प्लस x प्लस y, और ये इसमें जोड़ दो 45 प्लस x प्लस y। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये कहा था ना कि ये जो संख्या होती है इसको अपने क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, और ये बराबर होती है, उनको आप जोड़ोगे ना सबको, जोड़ो जोड़ो 5 15 5 20, 20 20 40, 40 5 45, 45 में x जोड़ोगे 45 प्लस x, वही जोड़ दो 45 प्लस x प्लस y, तो पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि ये बराबर कितना करना है, 60, 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 करना है, ये काम पहला करना है, क्योंकि इन सब का जोड़ है ना, इन सब का जोड़ है ना ये कह रहा है 60, सवाल में 60 दे दिया, हर एक क्लास में इन सब का जोड़ 60 दिए, अब हम जोड़ेंगे इसका जोड़ 60 नहीं आएगा, क्योंकि वो जोड़ 60 है ना वो x और y को मिलाकर है, x का मान और y का मान मिलाकर है, वो हमें पता नहीं कितना है, तो इनको जोड़ोगे तो 15 और 5 तो कितने हो गए 20, 20 में 20 जोड़े 40, 40 और 5 तो 45 प्लस x और प्लस y बराबर कितना लगा देंगे 60, तो यहां से x प्लस y बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, तो x प्लस y कितना आ जाएगा 15, ये समीकरण नंबर 1 आ गई, क्या आ गई, ये काम पहला करना है, समझ गए ये चीज, अब वही बात अपने क्या करते हैं माध्य का निकालते हैं ना, तो वहां पर n बटा 2 करते थे अपने, याद है क्या, n ये होती थी है ना, अब यहां n बटा 2 करेंगे ना कितना आएगा बताओ, इसका n का आधा करेंगे तो 30, अब 30 से बड़ी क्या देखते थे, cf, क्या देखते थे अपने, अब cf में ना 30 से बड़ी संख्या कौन सी बता सकते हो क्या, आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि x का मान नहीं पता आपको, x का मान पता होगा ना तब बता पाओगे, जैसे x का मान मान लो 1 है तो ये कितना बन गया 41, x का मान 20 हुआ तो ये कितना बन गया पता है 45 बन गया, इसका अंतर से बड़ा होगा ना, तो ये बड़ा ये भी हो सकता है, बड़ा ये भी हो सकता है, आगे के बारे में हमें x का मान नहीं पता, तो हमें n का आधा करने वाला काम है यहां पर नहीं करना, क्या बताया मैंने, n का जो हम आधा करते हैं ना एन बटा दो उससे ठीक बड़ी सी है, वो काम यहां पर नहीं करना, तो क्या करना, देखो माध्यक बताओ कितने, माध्यक
तो 28.5 देखो किसके बीच आएगा, 50 से 60 के बीच नहीं आएगा, 40 से 50 के बीच नहीं आएगा, 30 से 40 के बीच नहीं आएगा, 28.5 कहाँ आएगा बताओ, 28 है ना, 28 ये 20 से तो बड़ा है और 30 से क्या है छोटा, तो इसमें आएगा, किस में आएगा, 20 हाँ, तो इस लाइन को आप है ना इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, समझ गए ना, 28.5 है वो किसके बीच आता है, 20 से, ये लिखना है माध्य के 28.5 है जो वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल 20 30 में है, 20 से 30 में है, तो ये माध्य का अंतराल कौन सा हो गया, माध्य का वर्ग बताओ कौन सा हो गया, माध्य का या माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बताओ कौन हो गया, 20 से 30। अब बताओ निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, ये निम्न सीमा है, ये छोटा मान ये 20 हो जाएगा, एच बताओ कितना, एच एच का मतलब इनमें अंतर कितने कितने का, 10 का, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, दोबारा सुनो, माध्य का जो दे रखे 28.5 वो किसके बीच में, देख लो 30 से 40 के बीच में नहीं है, 20 से 30 के बीच में, तो ये आपका माध्य का वर्ग हो गया, आगे की बात समझ में, और माध्य का नहीं दिए तो हम कैसे करते हैं, एन का आधा करते हैं उससे ठीक बड़ी सी अब देखते हैं, वो काम तब करना है जब माध्य का निकालने या माध्य का आपको दे रखी है, समझ गए ना बात अच्छे तरीके से। अच्छा अब ये बताओ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, एफ है, ये क्या है, माध्य का वर्ग की बारंबारता कितनी होगी, मैंने कहा था ना इस बॉक्स जो हमने डब्बा बनाया इसके ऊपर वाला मान क्या होता है, ये सी का मान होता है, ये किसका मान होता है, ये तो सी का मान कितना बताओ, हाँ ऊपर वाला मान 5 + x। अब आप माध्य का सूत्र लगाओगे क्या होता है बताओ, एल प्लस रो माइनस सी एफ गुणा एच, ये होता है, यहां पर ये ब्रैकेट बंद कर देना। अब देखो यहां पर माध्य का मान बताओ कितना है, 28.5, एल का बताओ कितना मान है, एन का मान है 20, एन एन बताओ कौन है, पता है एन, हाँ एन है 60, इस एन को अपने सिग्मा एफ भी कह सकते हैं, पता है क्या क्या कह सकते हैं इसको, जो ये फ्रीक्वेंसी का जोड़ है ना ये हमें दे रखा है, जोड़ना है नहीं इनको, जोड़ोगे तो 60 नहीं आएगा, दे रखा है वो आने देगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, एन का आधा कर दें तो 60 में कितने का भाग दे दें, और सी सी बताओ कितना है, तो 5 + यहाँ ब्रैकेट लगा देना भाई, पता है ब्रैकेट क्यों लगाया, पीछे माइनस है तो ब्रैकेट लगाना है, ठीक है क्या, और बटा कितना एफ, एफ कराओ कितना है 20, और गुणा एच बताओ कितना है 10 है, तो इस 20 से ये 20 काट दूं ना, ये प्लस में है, गुणा वाला कटता है ये, गुणा है देखो, तो इसे काट देंगे, तो ये 20 इधर ले आएंगे, तो 28.5 - 20, 60 में 2 का भाग दिया, अब देखो इस माइनस को अंदर भेजेंगे यहां और ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, तो माइनस का 5 माइनस का प्लस से गुणा किया तो minus. और कितना आ जाएगा x, ये वाला ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले निशान को क्या करना है, चेंज करना है, और नीचे वाला कितना आ गया बताओ 2, गुणा में 1 लगाओ चिन्ह लगाओ, अच्छा 28 में से 20 गया 8.5 है ना, 28 में से 20 गया 8.5, 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स बटा 2, ठीक है, इसका इससे गुणा कर दो तो 2 × 5 = 10, ऐसे कितनी 1, 2 × 8 = 16 और 1 = 17, पॉइंट लगाना 1 के बाद ये लो, और 1 का गुणा इससे करो तो कितना आएगा 25 - x, अब 17.0 का मतलब कितना होगा, 17 ही हो गया, कितना हो गया 17, और ये हो गया 25 - x, एक्स इधर ले जाओ क्योंकि ये माइनस का है, तो देखो किसका हो गया प्लस का, और 17 इधर ले जाओ तो 25 - कितना हो गया 17, एक्स का बताओ कितना मान आ गया 8, इस मान को कहां पर रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 ये है, इसमें एक्स का मान बताओ कितना आ जाएगा 8 प्लस कितना बराबर 15, तो वाई का बताओ कितना मान आ गया 15 - 8, ये 8 इधर के माइनस का हो गया, तो वाई का बताओ कितना मान हो गया 7 हो गया, मिलो कितने मान आ गए 2 आ गए, ऐसे करना है,
के ग्राफ 14.4 देखो, 14.4 14.4 में दो बेसिक बातें बता रहा हूं, उनको आप लिख लेना चुटकी के समय। इसमें बेटा ग्राफ है, क्या है ग्राफ, और ग्राफ का एक नाम है, क्या नाम है, तोरण। 14.4 तोरण किसको बोलते हैं, तोरण बोलते हैं माध्यिकाओं से, माध्यिका निकालेंगे ना ग्राफ से, उसे तोरण बोलते हैं। अच्छा ये तोरण बताओ कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, एक तो होता है से कम, से कम ठीक है, एक होता है से अधिक, से अधिक। आप समझ लो अच्छे तरीके से, ये नोट कर लेना बात ठीक है ना, अभी समझो पहले से कम में क्या होता है, इसका ग्राफ बनाएंगे ना अपने ना, है ना, ये एक्स एक्सिस ये क्या हो गई, और से अधिक का भी ग्राफ बनाएंगे, इसमें भी क्या आएगा, यहाँ एक्स एक्सिस और यहाँ क्या आएगा वाई एक्सिस ठीक है। तो दो प्रकार का होता है, पूछा छोटा सवाल कितने प्रकार का, दो प्रकार, एक सम से कम एक से अधिक। अब देखो यहां पर ना, यहां पर यहां इसमें आएगी उच्च सीमा, क्या आएगी यहां पर, उच्च सीमा आएगी या ऊपरी सीमा आएगी, क्या आएगी, से कम जो ना, से कम, कम वाले में यहां क्या आएगी, ऊपरी सीमा, और इसमें क्या आएगी, क्या आएगी, निम्न सीमा आएगी ठीक है। आगे बात समझ में, अच्छा यहां पर क्या आएगी, यहां पर आएगी सी एफ, यहां पर क्या आएगी, यहां पर भी क्या आएगी सी एफ। अब ध्यान रखना यहां पर जो सी एफ आएगी ना, यहां पर जो सी एफ आएगी वो आएगी से कम वाले की बात कर रहे हैं पढ़े, तो इसमें आएगी मैं आपको इजी भाषा बताता हूं लिखकर मैं, चलो यहां पर सी एफ लिख देता हूं, आपके चक्कर ना पड़े, मैं वो बाद में समझाऊंगा ठीक है। यहां पर कौन सी आएगी, ऊपरी सीमा, वहां पर कौन सी आएगी, यहां पर कोई नाम लिखूंगा तुम्हारे रट्टा मारना पड़ेगा तुम्हें, तो मैं समझाऊंगा फिर तुम अपने आप समझ जाओगे। अब देखो इसका जो ग्राफ आएगा ना, इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा ऐसे बढ़ता हुआ इस तरीके से, क्या आएगा मतलब ग्राफ इसका ऊपर की तरफ जाएगा, शुरुआत नीचे से होगी कहां जाएगा, नाम इसे कम प्रकार का, से कम प्रकार ना, से कम वो कौन सा, से अधिक, इसमें ग्राफ ऊपर चालू होगा और कहां आएगा, नीचे आएगा, क्लियर बात। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ, इसका ग्राफ नीचे, याद रखना ये चीज ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब इन दोनों ग्राफ को एक साथ बना दे, दोनों ग्राफ क्या बना दू एक साथ, इसका ग्राफ तो कैसा आएगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ, इसका ग्राफ कहाँ आएगा, अब ये जहां पर काटेंगे ना, जहां पर ये काटेंगे उस बिंदु से नीचे आएंगे तो यहां मुझे एक संख्या मिलेगी, यहां क्या मिलेगी, वो संख्या अपनी माध्यक हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो माध्यक, क्या हो जाएगी वो माध्यक हो जाएगी, बात समझेगा। तो ये चीज आप नोट कर लो कि से कम का ग्राफ जो होता है वो बढ़ता हुआ आता है, और से अधिक का ग्राफ घटता हुआ आता है, या ऊपरी सीमा आएगी या निम्न सीमा आएगी ठीक है, और यहाँ पर सी एफ आएगी, इतना एक बार आप लिख लो ये चीज को, सिखा देता हूँ। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50% 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है, देखो यार क्या लिखा है, दैनिक आय वो भी किस में बताओ, रुपयों में, डॉलर में नहीं है भैया, किस में, कितनी है, 100 से 120 और 140 से 160 से 180 से 200। और याद दिया श्रमिकों की संख्या, देखना इसमें आ रहा है पूरा क्या, श्रमिकों की संख्या पूरा नाम आ रहा होगा, 12, 14, 8, 6 और कितना 10। तुम्हारे समझ तो आता होगा, इसमें साफ दिखता होगा पर नहीं, थोड़ा तुम्हें वो ऑप्शन करना था क्वालिटी वाला, अपने लगते हैं जो क्वालिटी सेट कर सकते हैं उसमें
जाओगे ना उसमें यूट्यूब पर तो क्वालिटी होती है 480 में करके देखना ना, तुम साफ देखेगा 720 तक क्वालिटी रहती है इसकी। ठीक है, अब इसे पढ़ो क्या लिखा है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयित बारंबारता बटन में बदलिए और उसका त्वरण भी खींचिए। किसमें बदलना है बताओ? से कम में। किसमें बदलना है? से कम में। देखो ये सवाल आपका, सुनो अभी। तो अपन लिखेंगे से कम, से कम। अब सुनो, सुनना अभी। से कम में क्या करेंगे? सबसे पहले इसको पढ़ना सीखो आप। इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, पहले सवाल का थोड़ा मतलब समझा देता हूं मैं कि दैनिक का मतलब होता है डेली जो हम काम करते हैं उसकी मजदूरी जो है 100 रुपए से 120 रुपए, 120 रुपए से 140 रुपए से, ऐसे इसको से बोलना भी इस वजह को। ठीक है, अब देखो 100 रुपए जिनकी कमाई है ना, 100 रुपए जिनकी कमाई है और 100 से ज्यादा है, लेकिन 120 देखो यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है ना, तो 120 यहां नहीं गिनना, 120 यहां गिना जाएगा। तो मतलब है जिनकी कमाई 100 रुपए है या 100 से ज्यादा है और 120 से कम है, वो मजदूर कितने हैं? 12 है। और जिनकी कमाई 120 रुपए है या 120 रुपए से ज्यादा है लेकिन 140 से कम है, वो कितने हैं? 14। ऐसे ये सवाल में जानकारी दे रखी है हमें, क्या करना है से कम प्रकार का इसको बटन में चेंज करना है। फिलहाल ये बटन अपने पास है, इसका चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे ना अपने? 100 से ज्यादा 120 से कम, 120 से ज्यादा 140 से कम। तो मैं जो कम बोल रहा हूँ उस कम के अंदर ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला बोल रहा हूँ मैं, इधर वाला। अब ऐसे बताया भी था मैं, कम वाले में कौन सी सीमा आती है? उच्च सीमा। ये बताओ, सीमा बताओ कौन सी है वाली, ये सारी बताओ कौन सी है? ये हाँ, इनको न्यूनतम सीमा बोलते हैं। ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है बड़ी, ये सीमा बताओ कौन सी है? हाँ, इनको बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, ये तो न्यूनतम सीमाएं हैं। क्या चीज है ये? और ये सीमाएं कौन सी है? उच्च सीमाएं। ठीक है, आप समझ भी लो और साथ में याद भी रखना कि अपन ऐसे बोलेंगे 100 से ज्यादा 120 से कम। तो कम बोला तो मैंने ये काम में लिया ना, तो ये संख्या उतारनी है अपने को। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपने उच्च सीमा। क्या लिखेंगे? यहां कर देता हूं मैं, तो हिंदी लिखने में दिक्कत आती है। उच्च सीमा बताओ कितनी आएगी? 120, 140, 160, 180 और 200। क्या लिखना है? 120 से कम, हाँ आ रहे बात पकड़ गया के? से कम। ठीक है, आगे बात समझ में? से कम। ठीक है, अब बताए यहां पर सीएफ निकालनी है, सीएफ है तो सीएफ वैसे ही निकालनी पड़ेगी आपको, जिसने निकाल कितना आएगा? 12। यहाँ कितना आएगा? 26। जोड़ना पड़ेगा ऐसे ही ना, ये इसमें जोड़ दो, अरे ये लाइन ऐसे मत खींचो, ऐसे ये इसमें जोड़ा ना, और ये इसमें जोड़ना कितना आया? 34। ये इसमें जोड़ दो 40, ये इसमें जोड़ दो 50। ठीक है जी, इस सीएफ को आप यहां उतार लो, कितना बताओ? 12, 26, 34, 40 और 50। अब बेटा ये तो मान लिखेंगे एक्स अक्ष पर, ये बताओ मान कहां लिखेंगे? वाई अक्ष पर। ये मान लिखेंगे एक्स अक्ष पर, ये मान कहां लिखेंगे? वाई अक्ष पर। यहां बिंदु बना लो पहले, क्या बना लो? बिंदु। बिंदु ऐसे बनाएंगे एक्स कॉमा वाई। एक्स बताओ कितना है? 120 और वाई कितना है? 12। एक्स कितना है? 140 और वाई कितना है? 26। बिंदु कितना है? 160 कितना? 34। और ये 180 और 40 और 200 और 50। तो मुश्किल काम है क्या? ये सारे मान लिख दिए, सीएफ निकालनी सिखा दी पहले, वैसे ही करनी है। तो ये एक्स का मान, ये वाई का मान, बिंदु बना दी। अब अपने को ग्राफ बनाना है, क्या करना है अपने को? ग्राफ। तो इस तरीके से कर लेना इसको, ये हो जाएगा, देखना है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है जी, हाँ देखो अभी तो ये x के मान है, ये मान कहां पर लिख रहे हैं? x एक्सिस पर। और ये मान कहां लिख रहे हैं? जो इनमें तो एक रूपता है, एक रूपता का मतलब अंतर सेम है। देखो 120, 140, 20 का अंतर है,
है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग किससे कर दें, बॉक्स में डब्बे होते हैं इसमें ग्राफ में, तो यहाँ लिख देंगे 120, यहाँ कितना लिख देंगे 140, यहाँ कितना 160, 180 और यहाँ कितना 200। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें से ये घटाओ 20 आएगा, इसमें से ये घटाओ 20 है, इसमें से ये घटाओ 20, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाओ, ये नहीं 120 में 0 का 120, तो वहां गैप 20 का आया था, यहाँ गैप कितने का आया 120, तो 20 से बात जम खा गई, 120 से पहुंच गई जम खा गई, नहीं तो हम क्या करेंगे इस लाइन को थोड़ा तोड़ देंगे ऐसे, ठीक है क्या, ऐसे इसमें झिक झिक बना देंगे, ऐसे बना देंगे बदबू सा, इसको बताए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं झिक झिक, क्या बोलते हैं इसको, झिक झिक, या आप दो समझ लो, या नियम कितने का था, 20-20 का था, नियम कितने का था, अब नियम टूट गया, या गैप कितने का गया 120 का, तो नियम टूट गया तो लाइन भी तोड़ दी, समझे, या 120 में से 0 जाएगा तो 120 बचेगा, 140 में से 20 बचेगा, इसमें से ये घटाओ फिर 20 फिर 20, लेकिन यहाँ कितना बच रहा है 20 नहीं बच रहा, 120 लाइन टूट गई, क्यों, नियम टूट गया लाइन तोड़ दी, ठीक है समझ गए, हाँ तो ये मान आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना 12 26, इसमें तो गैप सेम नहीं है, यहाँ कभी 26 है कभी 34 ऐसे है, तो हम इस प्रकार से इस पर संख्याएं लिखेंगे जिस पर ये संख्या आराम से आ जाए, तो कितने कितने गैप कर दो, 10-10 गैप कर दो आराम से, ऐसे मत करना 1 2 3 4, ये फिर लाइन है वहां छत की बिट जाएगी, समझ आ गया ना, लाइन में आप 10-10 का गैप कर देना, ठीक है समझ गए, तो यहाँ कितना कर दे 10, 20, यहाँ कर दे 20, 30, और यहाँ कर देता हूँ 30, और यहाँ कितना कर देता हूँ 40, और यहाँ कितना कर देता हूँ 50, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका 0 है, इनके बीच लाइन छोटे छोटे लाइन होती है, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर ये 10, इस लाइन में होती है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें 10 का अंतर है, तो बीच में लाइने 10 मान लो, एक एक की मान लो, ठीक है। अब देखो 120 के साथ कितना करना है हमें, तो 120 पर खड़े हो जाओ, खड़े हो 120 पर, और कहना है 12 पर, तो ये 11 है और ये वाला कितना है, तो 120 को ऊपर ले जाओ और 12 के सीध में यहाँ आ जाओ, आ गया क्या समझ में, इस बिंदु का नाम क्या दे दो, ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, ठीक है आगे रहा है समझ में। अच्छा दूसरा आपका कितना, 140 के साथ कितना करना है, 140 पे खड़े हो, 26 कहाँ होगा, 26 से 25 तो यहाँ होगा, 20 और 30 के बीच 25, और 25 से थोड़ा सा ऊपर कितना हो जाएगा 26, तो 140 को कहाँ ले जाओ, 26 की सीध में यहाँ यहाँ ले जाओ, आगे की बात समझ में, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सी कितना है, 160 ये रहा, 34 कहाँ होगा, ये हो गया 35, 30-40 के बीच ना, अब 35 से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ 160 की सीध में यहां से ऊपर चलो ऐसे, और यहां कहीं कर दो अपने 34, ये कितना हो गया सी। अच्छा डी कितना है, 180 और 40 ये ना, 40 से ऐसे करते ऐसी तरीके से, और 40 कहाँ है, 180 यहाँ पर है ना, यहाँ कर दो, ये लो यहाँ कितना कर दो, इस लाइन खींचना नहीं है आपको ये, ठीक है। अच्छा ई कितना है, 250 यहाँ कर दो, ये लो ई, समझ गया क्या। अब इसमें सबसे मेन बात कौन सी है, इन बिंदुओं को फुट्टे से या स्केल से नहीं मिलाना, आपको हाथ से मिलाना है, किससे मिलाना है, हाथ को भी ऐसे कड़ा हाथ नहीं करना है, ढीले हाथ से, ढीले हाथ का मतलब बिल्कुल नॉर्मल हाथ से, है ना, तो इस तरीके से मिला दे ऐसे, थोड़ी बहुत लाइन में लाइन इंटरना बनाना चाहिए ऐसे, इस तरीके से, समझ गए ना, आगे की बात समझ में। तो मैंने कहा था ना कि से कम का ग्राफ, यहाँ पे तो सीमा कौन सी आई है, ये उच्च सीमा, ठीक है, और यहाँ बताओ क्या आई है, सीएफ। अच्छा ये ग्राफ किसका बताओ, से कम प्रकार का तोरण, कम प्रकार का तोरण हो गया, से कम प्रकार का तोरण हो गया, समझ गए ये बात आप, बोलो अच्छे तरीके से। तो ये ग्राफ बन गया से कम प्रकार का, मैंने कहा ग्राफ कहां जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ग्राफ तो आपका हो गया ये, ठीक है। अब इसमें अपने मध्य का निकालना और सिखा देता हूँ आप, ग्राफ से मध्य का कैसे निकालते हैं, तो ये बताओ कितने यहाँ पर, ये बताओ, ये इसको एन नहीं बोलते क्या,
तो एन का आधा कर लो, 50 का आधा कितना आया, 25 है ना। अब 25 बताओ कहां पर है इसमें, यहां 25 है, यहां बताओ क्या है। तो 25 से एक लाइन खींचना है ऐसे ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। जहां पर टच करें तो वहां से नीचे आ जाना, वहां से कहां जाओगे, अब नीचे आप यहां आओगे ना, तो यहां पर कोई संख्या मिलेगी, वही संख्या बताओ क्या हो जाएगी, माध्य का हो जाएगी। बस इनकी आवश्यकता 142 मिल जाए, हो सकता है 140 ही मिल जाए, है ना। आई बात समझ में। चलो अब निकाल के देखते हैं माध्यिका कितनी आती है, निकाल के देखेंगे, है ना। चलो माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका सूत्र बताना क्या होता है, ग्राफ तो बन गया वो, एफ गुणा एक्स। अच्छा ये बताओ 50 है ना, ये आधा कितना हो गया, 25 से ठीक बड़ी सी, अब कौन सी है बताओ, 26। इसको कर लें ऐसे, है ना, 26 है ना। तो इसके ऊपर वाली ये सी हो जाएगी, सी बताओ कितना, ये हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा एफ, और ये वाला बताओ कितना हो जाएगा एल। मान रखो इसमें एल बताओ कितना है, 120। अच्छा एन का आधा किया, एन का आधा कितना है 25, चलो 25 आ गया, और सी बताओ कितना है 12, एफ कितना है 14, एच कितना बताओ 20। एच का मतलब गियर कितने कितने का, 20 का। अब इसमें बताया था ना सी कौन सा होता है, सी इसके ऊपर वाला होता है, इसके सामने एफ होता है, ये आपकी निम्न सीमा होगी, 20 का अंतर एच हो गया। अच्छा ये देखो तो 120 प्लस 25 में बारह कितना हो गया, 13 इंटू कितना 20, नीचे कितना हो गया 2 से काटो कितना आया 7, ये 10। तो 120 प्लस 13 इंटू 10 कितना हो गया 130 बटा कितना 7। तो 130 में कितने का भाग दे दूं, 7 एकम 7 कितना बच गया 6, 7 कितना हो गया 56, कितना बच गया 4, पॉइंट लगाओ 0, 7 5 कितना हो गया 35, कितना बच गया 5, 7 7 जो 49 ना, कितना बच गया, तो कितना आ गया बताओ, ये 18.57 यहाँ 120, तो 120 में ये जोड़ना कितना आया 138 पॉइंट कितना आएगा 57। तो माध्य का बताओ कितनी आएगी, तो यहाँ पर जो ये लाइन आएगी ना, ये जो लाइन यहाँ पर आएगी ना, ये लाइन पता है कहाँ पर आएगी, यहाँ 140 है, ये लाइन यहाँ पर आएगी इस तरीके से, यहाँ पर यहाँ यहाँ बताओ कितना होगा, इस जगह हो जाएगा 138.5। मतलब ग्राफ से माध्यिका का मान है ना वो कंप्लीट नहीं आता, एक आइडिया लगता है कि भाई 138 के आसपास इसका मान आएगा। आई बात समझ में। तो आपको सिर्फ ग्राफ ग्राफ बनाना है, कोई ये बोले ना कि ग्राफ की सहायता से या तोरण की सहायता से माध्यिका निकालो, तो इसका आधा कर लो, कितना हो गया 25, 25 यहाँ पर है ना, 25 को ढूंढ लो, 25 से लाइन खींचो, जहां पर टच करे वहां से नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो संख्या तो मिलेगी, संख्या लिख रखी है, जो भी यहाँ पर संख्या वो माध्यिका हो जाएगी, लेकिन तब पूछेगा नहीं आपसे, एक्स्ट्रा जानकारी थी ये, समझ गए ये चीज बताओ। तो ग्राफ गजा के बनाओगे या अभी बनाओगे, बना लोगे, ठीक है, खुद बना लेना, अगर दिक्कत है तो इसको उतार लेना, ठीक है।